बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज। ये एडवर्टाइजमेंट थी उस स्कूटर की जो इंडियंस के दिलों पर राज किया करता था। ये जिसके घर में होता था उसे अमीरों में गिना जाता था, क्योंकि 70 के दशक में हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन काफी ज्यादा पीछे थी। लेकिन फिर भी इस स्कूटर की उस टाइम पर 70,000 यूनिट्स बिक जाया करती थी। एंड क्लोज मार्केट और अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से इस स्कूटर का इतना लंबा वेटिंग पीरियड होता था कि बंदा BA, LLB और LLM तक कर सकता था, तब भी उसको बजाज चेतक की डिलीवरी नहीं मिलती थी, क्योंकि इस स्कूटर का डिलीवरी टाइम 8 से 10 साल तक का था। लेकिन एक समय पर जो स्कूटर सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर्स में से एक था, आज वो भारत की मार्केट से गायब हो चुका है। अब चलो, गाड़ियों की पॉपुलैरिटी तो कम ज्यादा होती रहती है, बहुत नॉर्मल सी बात है। बट एक्चुअली जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि जो बजाज 90 के दशक में पूरे भारत में सबसे ज्यादा स्कूटर्स बेचती थी, वो आज एक भी मेनस्ट्रीम इंटरनल कंबशन इंजन वाला स्कूटर नहीं बनाते हैं। हाँ, आज उनका एक EV स्कूटर आता है चेतक नाम से ही, लेकिन इंडिया में बिकने वाले टॉप 10 टू व्हीलर्स की लिस्ट में ये दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, जहाँ पर 3 टू व्हीलर्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है होंडा एक्टिवा, जिसकी महीने भर में 2.5 लाख यूनिट्स बिक जाती हैं लगभग। दूसरा आता है TVS जुपिटर, जिसकी 80,000 यूनिट्स बिकती है हर महीने। और चौथा है सुजुकी एक्सिस, जिसकी 50,000 तक यूनिट्स बिक जाती है। अब इन नंबर से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडिया के अंदर स्कूटर्स की मार्केट कितनी बड़ी है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद भी बजाज जैसी कैपेबल कंपनी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही है। पर आखिर ऐसा है क्यों? चलिए इस वीडियो के अंदर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और साथ ही साथ ये भी समझते हैं कि कैसे होंडा जैसे जापानी स्कूटर्स की वजह से और बजाज के खुद के फैसले की वजह से आज वो स्कूटर मार्केट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इस वीडियो के अंदर सब कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। चलिए अब हम इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हर बार की तरह इस स्कूटर का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। बजाज का नाम पहले बजाज नहीं था, बल्कि बजाज ट्रेडिंग कंपनी बोला जाता था इन्हें। और ट्रेडिंग कंपनी इसलिए क्योंकि बजाज पहले बाहर से टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स को इंडिया में लाकर बेचते थे। उनका बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था, और यही देखते हुए उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच करा, और 1959 में गवर्नमेंट ने उन्हें अपने ही देश के अंदर टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स बनाने का लाइसेंस दे दिया। पर गाड़ी बनाने के बारे में उस टाइम तक बजाज कुछ भी नहीं जानते थे, इसीलिए वो गए इटली की पियाजियो के पास, और वहीं से उनको मिला अपना पहला स्कूटर। पहले तो बजाज इस स्कूटर को PIGO के लाइसेंस के अंदर बेच रहे थे, लेकिन बाद में चल के PIGO और बजाज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, और 1972 में आता है बजाज का चेतक, जो कि हूबहू उस स्कूटर जैसा दिखाई देता था जो कि वो PIGO के लाइसेंस के अंडर बना रहे थे। और इसी बात के पीछे बजाज और PIGO के बीच में काफी ज्यादा बवाल भी होता है, और LML की भी बाद में चल के इसके अंदर एंट्री होती है। लेकिन इस सब के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद। खैर, जो भी हुआ उसके बावजूद भी चेतक इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कूटर बनकर उभरा, और इसकी अंधाधुंध सेल्स होने लगी, जैसा मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया था। 70s 80s तक ना इतना ज्यादा मोटरसाइकिल का कल्चर था नहीं। हाँ, लोग मोटरसाइकिल भी लेते थे, लेकिन आप खुद ही सोचिए उस टाइम तक जो बंदा एक ही टू व्हीलर अफोर्ड कर सकता था वो एक इम्प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल लेता या फिर एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल स्कूटर लेता। मोटरसाइकिल आपको हवा से बातें तो करवा सकती थी, लेकिन स्कूटर की तरह इंसान से लेकर सामान सब कुछ ढोने के काम नहीं आ सकती थी। और यही सब कुछ देखते हुए हम इन्हें 80 और 90 के दशक की फैमिली कार्स भी बोल दें तो वो गलत नहीं होगा। एंड जैसे आजकल की डेट में लोग शादियों के अंदर दहेज में गाड़ियां वगैरह देते हैं, वैसी उस जमाने में स्कूटर सिनोनिम हो गया था डाउरी से, जिसको मिस्टर राहुल बजाज ने एक अनफॉर्चुनेट कंपोनेंट भी बताया था चेतक की हिस्ट्री में, क्योंकि उस जमाने में हर दूसरी शादी में ये सुनने को मिलता था कि दूल्हे को दहेज में बजाज का चेतक मिला है। अब यही थी वो सारी बातें जिनसे हमें चेतक की सक्सेस की पीक समझ में आती है। लेकिन आज ये OG IC इंजन वाला चेतक स्कूटर तो एग्जिस्ट नहीं करता है, साथ ही साथ बजाज की प्रेजेंस भी स्कूटर मार्केट के अंदर नॉन एग्जिस्टेंट है। तो इसके क्या रीजंस हैं? चलो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो यार, ये जो स्कूटर था ना, ये काफी ज्यादा सॉलिड बिल्ड के साथ आता था। इसमें एक 150 cc का इंजन मिलता था जो 7.5 horsepower और 10.8 Nm का टॉर्क निकाल के देता था, जो कि आज की रेट के हिसाब से भी काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन जब 90s में इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई, तब खूब सारे जापानीज ब्रांड्स इंडियन मार्केट में आए, और वो अपने साथ लेकर आए वेरियोमेटिक गियर टेक्नोलॉजी, यानी कि CVT। और ये जो CVT पे चलने वाले स्कूटर्स थे ना, इनको चलाना काफी ज्यादा आसान था, क्योंकि अनलाइक बजाज जिसके अंदर ट्विस्टिंग गियर्स आते थे, इन स्कूटर्स के अंदर गियर्स के साथ कोई भी मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी। इसीलिए 90s में आए होंडा काइनेटिक जैसे CVT वाले स्कूटर्स फीमेल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने शुरू हो गए, और साथ ही साथ नए लाइसेंस होल्डर वाले जवान लड़कों के बीच में भी ये स्कूटर्स काफी ज्यादा पसंद किए जाने लगे। और इसीलिए हमें 90s के एंड में एक शिफ्ट भी देखने को मिला,
फाइनेंशियल ईयर 2000 में बजाज का जो स्कूटर मार्केट के अंदर शेयर था वो 57.7% था, LML का था 22.6% और थर्ड नंबर पर आती थी TVS सुजुकी, जिन्होंने 1996 में अपनी ऑटोमेटिक स्कूटी लॉन्च करी थी। और इसी वजह से TVS सुजुकी जिसका मार्केट शेयर 1998 में 7.1% था, वो ईयर 2000 के अंदर बढ़कर 10.2% पहुंच गया था। हाँ, अब आपको ये जो जंप है बहुत बड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये शुरुआत बढ़ती बस, क्योंकि असली जो चेंज आया था वो आया था होंडा एक्टिवा की वजह से, जो कि 2001 में लॉन्च हुआ था। होंडा एक्टिवा इंडिया में मिलने वाले बाकी सभी स्कूटर्स के मुकाबले काफी भारी था और ये बड़ा भी दिखता था, और इसी वजह से ये इंडिया की मेल ऑडियंस के बीच में अपनी जगह बनाने लग गया था। लेकिन ऑटोमेटिक स्कूटर्स ही नहीं थे जिनकी वजह से गियर वाले स्कूटर्स की मार्केट खराब हुई थी, बल्कि मार्केट खुलने की वजह से जापान से इंडियन कोलैबोरेशन में इंडिया आए मोटरसाइकिल ब्रांड्स की वजह से भी ऐसा हो रहा था। और इनके आते ही इंडियन मार्केट के अंदर मोटरसाइकिल्स की बढ़त क्लियरली दिखाई देने भी लग गई थी, क्योंकि 1991 में इंडिया के अंदर मोटरसाइकिल्स की मार्केट सिर्फ 13.8% थी, लेकिन ईयर 2000 में बढ़कर ये 28.7% तक पहुंच चुकी थी। एंड क्लियरली यहाँ पर हम देख सकते थे कि ये जो मोटरसाइकिल्स थी ये स्कूटर्स की मार्केट को खा रही थी। एंड द रीजंस वर क्वाइट ऑब्वियस, ये तेज चलती थी, ये बेटर माइलेज निकाल के देती थी, इनके टायर साइज बड़े होते थे जिसकी वजह से लंबी दूरी तय करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाती थी स्कूटर्स के मुकाबले। और इतने बड़े ट्रेंड शिफ्ट को देखते हुए ही बजाज ने सोचा कि उन्हें भी मोटरसाइकिल मार्केट के अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी, और इसीलिए बजाज ने 1998 में कावासाकी के साथ टाई अप करा और अपनी मोटरसाइकिल्स को लॉन्च करना चालू कर दिया। और देखते ही देखते उन्होंने अच्छी खासी पकड़ बना ली मार्केट पर, और लेट 90s तक ही बजाज इंडिया के दूसरे सबसे बड़े मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बन गए थे विद 24% मार्केट शेयर इन मोटरसाइकिल मार्केट। लेकिन जब 2001 में पल्सर लॉन्च हुई तब पूरी कहानी ही बदल गई, क्योंकि इस मोटरसाइकिल के बाद बजाज की फैन फॉलोइंग सातवें आसमान पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि बजाज के अलावा कोई भी ब्रांड इंडियन मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स नहीं बना रहा था। एंड इवन राजीव बजाज ने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि 2001 से लेकर 2011 का जो डेकेड था वो उनके लिए सबसे अच्छा था, और उसका एक बड़ा रीजन पल्सर ही था ऑब्वियसली। अब क्योंकि एक तरफ बजाज मोटरसाइकिल सेगमेंट में काफी ज्यादा अच्छा कर रहे थे और दूसरी तरफ उनके गियर वाले स्कूटर्स गियरलेस स्कूटर से काफी ज्यादा तगड़ी मात खा रहे थे, इसीलिए उन्होंने 2006 में अपने चेतक स्कूटर को बंद ही कर दिया, और इसमें 2-स्ट्रोक और 4-स्ट्रोक दोनों ही मॉडल शामिल थे। हाँ, 2007 में उन्होंने क्रिस्टल को लॉन्च करा जो कि एक ऑटोमेटिक स्कूटर था, लेकिन ये स्कूटर बिल्कुल भी नहीं चला। एंड इसीलिए बजाज ने डिसाइड किया कि वो अपना पूरा का पूरा फोकस सिर्फ मोटरसाइकिल की तरफ रखेंगे। एंड ये वाली बात मिस्टर राजीव बजाज ने भी कई बार बोली है कि वो स्कूटर मार्केट में दोबारा एंटर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि बजाज ऑलरेडी अच्छा कर रहा था मोटरसाइकिल मार्केट में, तो अपने रिसोर्सेज को उस जगह पर डालने का कोई फायदा नहीं था जहां पर वो कमजोर थे, यानी कि स्कूटर मार्केट में। और दूसरी बात परसेप्शन की भी थी। अब ऐसा नहीं था कि बजाज के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी या वो कोई कमजोर ब्रांड थे, हम जानते हैं कि बजाज के प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा सॉलिड रहे हैं, लेकिन एक रीजन और था जिसकी वजह से वो दोबारा से स्कूटर मार्केट के अंदर घुसना नहीं चाहते थे, और वो रीजन जुड़ा हुआ था परसेप्शन से। जितना मैं मिस्टर राजीव बजाज के इंटरव्यू से समझ पाया हूँ वो ये है कि जो बजाज है वो दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बनना चाहती है, और जब आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में सबसे बड़े बनना चाहते हैं ना, तो आपको पूरा का पूरा फोकस वहीं पर करना पड़ता है। जैसे कि फरारी हमेशा से सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स कार्स ही बनाती आई है, और इसीलिए फरारी का नाम ही सिनोनिम हो चुका है स्पोर्ट्स कार्स के साथ। और जब भी फरारी एक स्पोर्ट्स कार लॉन्च करती है तो लोगों को भरोसा होता है कि ये गाड़ी फरारी ने बनाई है और ये सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। और इसी भरोसे की वजह से जब आप अपनी फरारी को बाहर मार्केट में बेचने जाते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू डेप्रिशिएट हुई ही नहीं है। एंड ऐसा ही कुछ सॉर्ट ऑफ बजाज भी करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो अपने आप को स्कूटर से अलग करना चाहते थे। एंड मेरा मानना ये है कि जो फैसला मिस्टर बजाज ने लिया था ना वो बहुत ही ज़्यादा सही था, क्योंकि आज बजाज इंडिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल एक्सपोर्टर कंपनी बन चुकी है। और अगर मैं इंडिया की भी बात करूं तो बजाज की प्लेटिना और पल्सर जैसी मोटरसाइकिल्स काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं इंडिया के अंदर, और अगर मैं पर्टिकुलरली बजाज की पल्सर की बात करूं तो वो इंडिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। और इससे भी ज़्यादा कमाल की बात यह है कि जिस मोटरसाइकिल की 2023 के अगस्त के महीने में 90,000 यूनिट्स बिकी थी, उसकी उससे अगले ही महीने में यानी कि सितंबर में 1,20,000 यूनिट्स बिक गई, यानी कि 32.47% का ग्रोथ। और देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्रोथ है इस सेगमेंट के अंदर। लेकिन जो इसके अंदर भी चौंकाने वाली बात है ना वो ये है कि ये जो पल्सर सीरीज है ना ये पिछले 20 साल से ज़्यादा बदली नहीं है। अब चलो बजाज तो अपना भला कर ही रहे हैं, लेकिन देखने में हमें पास में ये भी मिला है कि बजाज ने कई और कंपनीज की भी बहुत ज़्यादा मदद करी है उनको अपलिफ्ट करने में, जैसे कि KTM। जब KTM अपने बुरे दौर से गुजर रही थी तब बजाज ने उनकी हेल्प करी और उनको छोटे इंजन वाली मोटरसाइकिल्स बनवाने में मदद करी, वो भी कम कॉस्ट में, जिसके बाद इंडिया के अंदर KTM ने धूम मचाई और बहुत सारे लोगों का सपना पूरा हुआ स्पोर्ट्स बाइक चलाने का।
लेकिन सिर्फ KTM ही नहीं, ट्रायम्फ के साथ भी बजाज ने ऐसा ही कुछ करा है। बजाज और ट्रायम्फ ने मिलकर एक क्वालिटी रेट्रो मोटरसाइकिल बनाई है, जिसकी मदद से ट्रायम्फ को अपनी सेल्स बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। एंड शायद इसी तरीके के ब्रांड कोलैबोरेशंस की वजह से और अपनी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कैपेबिलिटीज की वजह से बजाज 2021 में दुनिया की पहली ऐसी मोटरसाइकिल कंपनी बन गई थी जिसकी मार्केट वैल्यूएशन 1,00,000 करोड़ रुपए को टच कर गई थी। तो ये सब देखने के बाद मेरा मानना तो ये है कि भाई बजाज ने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल ठीक था उस टाइम के हिसाब से, और शायद चेतक को बंद कर देना ही ठीक था तब। लेकिन जो अभी उन्होंने इलेक्ट्रिक चेतक निकाला हुआ है ना, मेरे हिसाब से वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एटलीस्ट वो काफ़ी अच्छा दिखता है बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर से मुकाबले। लेकिन एक चीज़ है जहाँ पर उनको काम करने की ज़रूरत है, वो है उसकी रेंज। मतलब मेरे हिसाब से 95 किलोमीटर की रेंज इवन फॉर स्कूटर्स काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइए कि आपका क्या मानना है, क्या बजाज को अपना कोई ऑटोमेटिक स्कूटर लेकर आना चाहिए इंडियन मार्केट के अंदर अब या नहीं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी रील्स डाल रहा हूँ, जैसे मैंने अभी अभी डाली है लेक्सस के बारे में कि कैसे इस कार की वजह से आज हर एक गाड़ी का डैशबोर्ड स्क्रीन से भर चुका है। लेकिन उससे ही पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।